और ईशा मालवीय का मच अवेटेड सॉन्ग लड़िया ना कर रिलीज हो चुका है। कैसा है ये सॉन्ग, चलिए जानते हैं। हेलो दोस्तों, आप अपना चैनल देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई। मैं हूं आपकी होस्ट और दोस्त कोमल। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहते हैं तो फॉलो कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी है jakomal_1894। वेल, बात करते हैं म्यूजिक वीडियो की। तो म्यूजिक वीडियो में अंकित गुप्ता और यहां पर ईशा मालवीय उसी किरदार में नजर आ रहे हैं जो कि हमें उडारिया में देखने को मिलता है, जहां किस तरह से जैस्मीन है जो परेशान करती हुई नजर आती है, फतेह को तंग करती हुई नजर आती है, लेकिन दोनों की लव स्टोरी वही रहती है कि दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार भी करते हैं। वेल, यही स्टोरी हमें इस म्यूजिक वीडियो में भी देखने को मिली है, जहां किस तरह से अंकित गुप्ता को ईशा मालवीय परेशान करती हुई नजर आती हैं, तंग करती हुई नजर आती हैं, और इसी की वजह से अंकित गुप्ता भी काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं, जहां दोनों की नोकझोंक दिखाई गई है, झगड़े को दिखाया गया है, और इसी के साथ एक दूसरे पर कैसे जान छिड़कते हैं ये भी हमें देखने को मिला है। और सबसे बड़ी बात है, कितनी बड़ी ड्रामेबाज है जैस्मीन, वही हमें यहाँ पे ईशा मालवीय का वही ड्रामा भी देखने को मिला है। वेल, म्यूजिक वीडियो बहुत ही प्यारा है, आप सभी को बेहद पसंद आने वाला है। और इसी के साथ आपको बता दें, इस सॉन्ग को गाया है दीदार कौर ने, जो कि पंजाबी सिंगर हैं, जो कि काफी ज्यादा फेमस भी हैं और इस म्यूजिक वीडियो में नजर भी आ रही है। खैर, ये सॉन्ग रिलीज होते के साथ ही काफी ज्यादा धमाल मचा रहा है, ये सॉन्ग काफी ज्यादा ट्रेंड भी कर रहा है। अभी तक आपने इस म्यूजिक वीडियो को नहीं सुना है तो सुने जाकर और हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आपको लड़िया ना कर कितना सॉन्ग पसंद आया है। खैर, टेलीविजन की लेटेस्ट अपडेट्स और चटपटी गॉसिप्स को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।